दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले फ्राइडे यानी 16 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हुई प्रभास की जबरदस्त फिल्म, जिसका हम सब बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिल्म जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रही है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है, उसे देखकर ये साफ पता चलता है प्रभास कितने बड़े सुपरस्टार हैं, जिनके चर्चे भारत में नहीं विदेशों में भी हैं। और दोस्तों उनका दूसरी तरफ फिल्म में साथ दे रही हैं कीर्ति सनोन। और दोस्तों एक तरफ मूवी ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है, बॉक्स ऑफिस में छाई हुई है, दूसरी तरफ मूवी पे अनवांटेड कमेंट्स आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं फिल्म के डायलॉग्स एकदम घटिया हैं, और दोस्तों लोगों को हनुमान जी का किरदार बिल्कुल पसंद नहीं आता है मूवी में। और दोस्तों मूवी पर लगातार बायकॉट मचा हुआ है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मूवी दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस में छाई हुई है, रोज नए नए ताबड़तोड़ रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, अपने नाम दर्ज कर रही है। दोस्तों जैसा कि मूवी को 5 दिन हो चुके हैं, आज दोस्तों 5वां दिन भी समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों जो मूवी की 4 दिन का कलेक्शन है वो आज की वीडियो में बताएंगे, और 5वां दिन कितना कलेक्शन करेगी आज के दिन वो पूरा भी आज की वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। और आज की वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप लोग भी प्रभास के सर के बड़े फैन हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर दें दोस्तों। जैसा कि प्रभास की नई फिल्म आदिपुरुष, जिसमें श्रीराम और रावण के बीच को युद्ध को दर्शाया गया है, फिल्म में प्रभास श्रीराम के रोल में नजर आते हैं, और दूसरी तरफ कीर्ति सनोन मैम सीता जी के किरदार में नजर आती हैं, और रावण के रोल में सैफ अली खान सर नजर आते हैं दोस्तों। अगर जनता की सुनी जाए तो जनता बहुत पहले से एक्साइटेड थी फिल्म को लेकर दोस्तों। फिल्म का अनाउंसमेंट 2 साल पहले ही हो चुका था, और फिल्म 7-8 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गई थी। फिल्म का टीजर जनवरी में रिलीज हो गया था दोस्तों, और उसके बाद फिल्म का टीजर के VFX को देखकर इतना घटिया लग रहा था, और उसके डायलॉग्स को सुनकर इतना घटिया लग रहा था, समझ में आ रहा था फिल्म बहुत घटिया और बाहिया था। तो लोगों ने कहा कि इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए दोस्तों, इससे अच्छा तो आप फिल्म को रिलीज ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और दोस्तों लोगों को लगा कि ये फिल्म बिल्कुल बकवास फ्लॉप हो जाएगी, तो दोस्तों मेकर्स को लगा, जो फिल्म के मेकर्स थे, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग फिल्म पे दोबारा से काम करें, फिर जाके फिल्म को रिलीज़ करते। जैसा कि दोस्तों फिल्म रिलीज हो चुकी है, और फिल्म को देख के लगता है फिल्म के मेकर्स ने बहुत ज़्यादा हद तक काम नहीं किया है दोस्तों। फिल्म के VFX और डायलॉग्स इतने घटिया हैं दोस्तों, जैसा कि उसको देखकर समझ में आ रहा है। और जिस तरह फिल्म के कैरेक्टर्स को दिखाया गया, मुझे तो कभी कभी जंगल बुक मूवी की याद आने लगती थी। अगर फिल्म के स्टार्टिंग से एंड तक सही तरीके से काम किया जाता तो फिल्म अभी बॉक्स ऑफिस में जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ चुकी होती। लेकिन अब मूवी की कलेक्शन में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर मैं बात करूं मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, तो बता दूं मूवी को ओम रोड के डायरेक्शन में बनाया गया है। मूवी का बजट लगभग 500 करोड़ का है या उससे ज़्यादा भी है। फिल्म के कलेक्शन की ओर चले तो दोस्तों बता दें फिल्म ने पहले दिन 54 करोड़ 50 लाख की कमाई की है इंडिया से, और वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 140 करोड़ की कमाई की है। और दोस्तों दूसरे दिन इंडिया में दोस्तों फिल्म ने 65 करोड़ की कमाई की है, और तीसरे दिन 70 करोड़ की कमाई की है, और 3 दिनों में दोस्तों फिल्म ने 230 करोड़ कमाए हैं इंडिया से, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की वहीं बात करें तो 340 करोड़ कमाए हैं। और दोस्तों चौथे दिन तो मूवी में बहुत ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिलती है दोस्तों, मूवी ने बस 18 करोड़ की कमाई की है इंडिया से, जिससे साफ नज़र आता है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ है फिल्म से। और दोस्तों अगर बात करें मूवी की, तो दोस्तों अगर मूवी फ्लॉप भी होती है तो लगभग आधी कमाई तो करनी थी अपने पहले दूसरे तीसरे दिन से, लेकिन दोस्तों मूवी बस 18 करोड़ ही कमा पाई, और दोस्तों लगभग उसे 35 से 40 करोड़ कमाना था, लेकिन दोस्तों मूवी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। मूवी ने अपने 4 दिनों में 248 करोड़ की कमाई कर पाई बस, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 370 करोड़ की है। और दोस्तों आज 5वें दिन भी मूवी 18 से 20 करोड़ रुपए कमा रही है, और आज के दिन 5वें दिन में दोस्तों मूवी 400 करोड़ कमा लेगी। दोस्तों क्या लगता है मूवी अपने बजट के पास पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी? और दोस्तों आप लोग मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।